आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम में। न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए सेमीफाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 70 रनों से हराकर टीम इंडिया ने फाइनल का टिकट कटा लिया है। वहीं इस जीत के लिए विराट कोहली और श्रेयस अय्यर के शतक की जितनी चर्चा हो रही है उतनी चर्चा मोहम्मद शमी की घातक गेंदबाजी की भी हो रही है। मोहम्मद शमी की गेंदबाजी को लेकर दिल्ली और मुंबई पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर काफी मजेदार ट्वीट्स किए हैं। दोनों इनने एक दूसरे से शमी को लेकर मजे लिए हैं। आइए देखते हैं दोनों ने क्या ट्वीट किए हैं। वानखेड़े के मैदान पर कीवियों का किला ध्वस्त कर सालों पुरानी बैटल का बदला लेने वाली टीम इंडिया के सितारों की पूरी दुनिया कायल हुई। बुधवार को मुंबई के मैदान पर नए जमाने की टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड का जो हश्र किया उसका सामूहिक दर्द कीवियों को कई साल तक चुभता रहेगा। खासकर भारत के तूफानी गेंदबाज मोहम्मद शमी का जिस तरह का सैलाब आया जिसमें विलियमसन सेना पूरी तरीके से बह गई, लेकिन शमी ने कीवियों पर जिस तरह का कहर बरपाया उसके लिए शमी को गिरफ्तार भी अब किया जा सकता है। उनके खिलाफ गंभीर धाराएं तक लगाई जा सकती हैं। दरअसल मुंबई पुलिस शमी के साथ साथ कई भारतीय खिलाड़ियों को गिरफ्तार कर सकती है। गनीमत रही कि दिल्ली पुलिस ने मुंबई पुलिस से सिफारिश कर दी, वरना क्या से क्या हो जाता। तो शमी के साथ साथ भारत के अन्य सितारों ने ऐसा किया कि बात गिरफ्तारी तक आ पहुंची। ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली पुलिस को मुंबई पुलिस से कहना पड़ा प्लीज गिरफ्तार मत करना। फिर भारतीय सितारों के लिए आमने सामने आ गए दिल्ली और मुंबई पुलिस, बहस शुरू हो गई। आईपीसी की धाराओं को लेकर दिल्ली पुलिस शमी के लिए सिफारिश कर रही थी कि तभी मुंबई पुलिस ने टीम के कई सितारों को आरोपी बता डाला। तो चलिए अब साफ साफ बता देते हैं कि आखिर हुआ क्या था। दरअसल बुधवार को भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने चिर प्रतिद्वंदी न्यूजीलैंड को कड़ी पटखनी दी है। 397 रनों का पीछा कर रही न्यूजीलैंड की टीम एक समय मजबूत स्थिति में थी। 200 रनों के पार तक कीवियों के सिर दो विकेट गिरे थे, सबकी सांसें अटकी हुई थी कि तभी मोहम्मद शमी को कप्तान रोहित शर्मा ने फिर से गेंद थमा दी। फिर क्या था, आग उगलती शमी की गेंदों के आगे कीवी धाराशाही हो गए। उनके इस परफॉर्मेंस को लेकर दिल्ली पुलिस ने मुंबई पुलिस को सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, मुंबई पुलिस हमें उम्मीद है कि आप लोग मोहम्मद शमी के जरिए आज किए गए हमले को लेकर उन्हें गिरफ्तार नहीं करेंगे। दिल्ली पुलिस के पोस्ट का मुंबई पुलिस ने जवाब दिया। उन्होंने लिखा, दिल्ली पुलिस आप अनगिनत लोगों के दिलों को चुराने के लिए धाराएं लगाना भूल गए हैं और साथ ही आपने सह आरोपियों की लिस्ट भी नहीं दी है। मतलब मुंबई पुलिस का इशारा विराट कोहली, रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर की तरफ भी था जिन पर लाखों दिलों को चुराने का आरोप है। फिलहाल इन्हीं मस्तियों के बीच पूरा देश फाइनल में प्रवेश करने का जश्न मना रहा है। अब इंतजार विश्व क्रिकेट पर बादशाहत के लिए अगले दावेदार का है जो गुरुवार को तय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।